दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाजीवा। आज हमारी महफिल में अदब के ऐसे तीन हस्ताक्षर मौजूद हैं कि जिस वक्त आप उनकी खूबसूरत शायरी और बेहतरीन गजलें सुनेंगे आप खुद ब खुद बोल उठेंगे वाह जी वाह। तो चलिए बिना किसी तमहित के, बिना किसी देर किए आज की महफिल की शुरुआत करते हैं और आवाज देते हैं आज की महफिल की पहली शायरा को। आज की महफिल की हमारी पहली शायरा एक ऐसी शायरा है जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी जबान के होते हुए भी उर्दू में शायरी करती हैं, उनका आली मकाम है। मेरी मुराद है वर्सोवा मुंबई से तशरीफ लाई अलका शरर साहिबा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अलका शरर साहिबा। अलका जी आपका स्वागत है। सूरज के और चांद सितारों के दरमियान हिस्सा रखा है अपना बहारों के दरमियान। महफूज दिल की तह में थे रंज और खुशी मिले, दिल खोल कर में आ गए यारों के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक किताब से मैं शुरुआत करती हूँ। दिलों में गम की किताब रखना बहुत गलत है। दिलों में गम की किताब रखना बहुत गलत है, मोहब्बतों में हिसाब रखना बहुत गलत है। क्या बात है, क्या बात है। दिलों में गम की किताब रखना बहुत गलत है, मोहब्बतों में हिसाब रखना बहुत गलत है। गलत है जख्मों पे नश्तरों से लगाना मरहम। गलत है जख्मों पे नश्तरों से लगाना मरहम, तो खारों पर भी गुलाब रखना बहुत गलत है। जख्मों पे नश्तरों से लगाना मरहम, तो खारों पर भी गुलाब रखना बहुत गलत है। बहुत शुक्रिया। यहीं से मैं एक गजल के कुछ अशआर पढ़ती हूँ कि मैं रोज रोज गुमानो कयास क्या करती। मैं रोज रोज गुमानो कयास क्या करती, हर एक झूठ तेरा बेनिवास क्या करती। मैं रोज रोज गुमानो कयास क्या करती, हर एक झूठ तेरा बेनिवास क्या करती। तू दस्तयाब हर एक फर्द को था मेरे सिवा। तू दस्तयाब हर एक फर्द को था मेरे सिवा, मैं लौट आई तेरे आस पास क्या करती। तू दस्तयाब हर एक फर्द को था मेरे सिवा, मैं लौट आई तेरे आसपास क्या करती। उलटती खाक जहां नाम और नक्श थे तेरे। उलटती खाक जहां नाम और नक्श थे तेरे, उन्हें मिटाने का मैं इल्तिमास क्या करती। उलटती खाक जहां नाम और नक्श थे तेरे, उन्हें मिटाने का मैं इल्तिमास क्या करती। और एक शेर ये भी की चमन से इश्क उसे था हदे जुनून तलक। चमन से इश्क उसे था हदे जुनून तलक, मिठहरी सहरा वो था गुलशनास क्या करती। चमन से इश्क उसे था हदे जुनून तलक, मिठहरी सहरा वो था गुलशनास क्या करती। और एक शेर ये भी कि मुझे लुभा न सकी कोई भी हसीन कबा। कबा कहते हैं लिबास को। मुझे लुभा न सकी कोई भी हसीन कबा, फकत बदन का ही था वो लिबास क्या करती। मुझे लुभा न सकी कोई भी हसीन कबा, फकत बदन का ही था वो लिबास क्या करती। और हंसी भी सहम गई लब पे मेरे आते हुए। हंसी भी सहम गई लब पे मेरे आते हुए, तुम्हें जो देख लिया था उदास। हंसी भी सहम गई लब पे मेरे आते हुए, तुम्हें जो देख लिया था उदास क्या करती। मैं रोज रोज गुमानो कयास क्या करती, हर एक झूठ तेरा बेलिबास क्या करती। हंसी भी सहम गई मेरे लबों पे आते हुए। हंसी भी सहम गई मेरे लबों पे आते हुए, तुझे देख लिया था उदास। तुझे जो देख लिया था उदास क्या करती। क्या बात, वाह 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 वाह। इतना खूबसूरत, इतना नाजुक शेर अलका साहिबा ने पढ़ा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने। कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया,
थे मेरे सामने सोने के निवाले, क्या बात है, वाह 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 वाह, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने। और दोस्तों यहीं से आपके मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं आज की महफिल के दूसरे शायर को। आज की महफिल के दूसरे शायर, उनका मैं तारुफ आपके सामने कराऊं तो वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे हैं, फिल्मों में गजलें लिखी हैं, टीवी सीरियल के लिए लिखा है, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, फिल्म प्रोड्यूस की है। और एक ऐसा शख्स जो आपको यकीन नहीं होगा कि IIT दिल्ली से MTech किया हुआ है, क्या बात, और जहां तक मुझे ठीक से याद है तो वो पेशे से पत्रकार भी है। इतनी सारी खूबियां समेटे हुए जो शख्स हमारे साथ में है उसे हम कहते हैं प्रमोद कुमार कुश तन्हा। बड़े अदब एहतराम के साथ मैं दावत सुखन देता हूं प्रमोद कुमार कुश तन्हा साहब को। तन्हा जी आपका इस्तकबाल है, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वाह, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वही हौसले हमारे वही आपके सितम है, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वही हौसले हमारे वही आपके सितम है। कभी आंसुओं के किस्से कभी दर्द के फसाने, कभी आंसुओं के किस्से कभी दर्द के फसाने, इस जिंदगी पे जितनी गजलें कहें वो कम है। चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है। वाह वाह वाह, वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है, मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, क्या कह रहे, मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, याद हर जख्म की रखना भी तो जरूरी है, याद हर जख्म की रखना भी तो जरूरी। एक गजल पेश करता हूँ। सफर से दिल लगा कर क्या करोगे, सफर से दिल लगा कर क्या करोगे, सफर में घर बना कर क्या करोगे, सफर से दिल लगा कर क्या करोगे, क्या बात, क्या लगेगा, बढ़िया तो सब कुछ चलेगा, साथ पल दो पल मुसाफिर, चलेगा साथ पल दो पल मुसाफिर, उसे दिल में बिठा कर क्या करोगे, उसे दिल में बिठा कर क्या करोगे। शेर देखेगा, इसी दुनिया ने लूटा है सफर में, इसी दुनिया ने लूटा है सफर में, इसी दुनिया ने लूटा है सफर में, इसे फिर आजमा कर क्या करोगे, इसे फिर आजमा कर क्या करोगे। एक शेर और देखिएगा, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है, सभी को गम सुना कर क्या करोगे, सभी को गम सुना कर क्या करोगे। शेर देखेगा, हम बहुत जल्द अपना पेशेंस खो देते हैं कि बुरा वक्त है, थोड़ी तसल्ली की जरूरत है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी जी। अंधेरा है मगर कुछ देर का, अंधेरा है मगर कुछ देर का है, अंधेरा है मगर
कुछ देर का है, लहू अपना जला कर क्या करो क्या करो, लहू अपना जला कर क्या करोगे। एक शेर खास तौर से सुनेगा, मेरा पसंदीदा शेर है। जी जी। बिछी हो रेत की चादर जहाँ पे, बिछी हो रेत की चादर जहाँ पे, बिछी हो रेत की चादर जहाँ पे, वहाँ आंसू बहाकर क्या करो, वहाँ आंसू बहाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिछी हो रेत की चादर जहाँ पे, बिछी हो रेत की चादर जहाँ पे, वहाँ आंसू बहाकर क्या करो। शेर देखेगा, भक्ति का शेर हाजिर करता हूँ। सुनेगा कौन तनहा के फसाने, सुनेगा कौन तनहा के फसाने, सुनेगा कौन तनहा के फसाने, यहाँ महफिल सजा कर क्या करोगे क्या करोगे, यहाँ महफिल सजा कर क्या करोगे, सफर से दिल लगा कर क्या करोगे, सफर में घर बना कर क्या करोगे। बहुत शुक्रिया। सुनेगा कौन तन्हा के फसाने, सुनेगा कौन तन्हा के फसाने, यहाँ महफिल सजा कर क्या करोगे। इस मुख्तलिफ अंदाज में आपको लुत्फानंदोज कर रहे थे प्रमोद कुमार कुश साहब, जो मीरा रोड मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से कुश साहब का इस्तकबाल किया जाए। दोस्तों, वाजिबा की महफिल में गीत गजल और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाह जी वाह। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के उस अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। चलिए आपके आनंद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं आज के महफिल के तीसरे शायर आखिरी कवित्री, एक ऐसी कवित्री जिन्होंने अपनी मौजूदगी से लाल किले की महफिल को फरोग बख्शा है। बिना किसी तमहीद के बड़े अदब एहतराम के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ अंधेरी मुंबई से हमारे बीच पधारी डॉक्टर दमयंती शर्मा। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है। ना ही बड़ा है नाम नामबार दौलतों का, ना ही बड़ा है नाम नामबार दौलतों का, तिनका ही सही मैं डूबते का सहारा हूँ, तिनका ही सही मैं डूबते का सहारा हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा जी का, जिन्होंने वाह जी वाह की इस खूबसूरत महफिल में मुझे भी आज आमंत्रित किया है। और उसके बाद एक मुक्तक देश के शहीदों के नाम कि क्या उनका जुनून था और कैसे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। वतन पर जान देने की अजीबारी हमारी है, वतन पर जान देने की अजीबारी हमारी है,
शहीदी रथ पे चढ़ जाऊं वही शाही सवार पर जान देने की अजीब बारी हमारी है। शहीदी रथ पे चढ़ जाऊं वही शाही सवारी है। तुम ही खेलो खिलौनों से रचाओ ब्याह गुड़ियों का। तुम ही खेलो खिलौनों से रचाओ ब्याह गुड़ियों का। मेरी दुल्हन है आजादी मुझे उसकी खुमार। मेरी दुल्हन है आजादी मुझे उसकी खुमारी है। तो जो आज के सैनिक हैं वे भी कम नहीं हैं, वो उस जुनून को संभाले हुए हैं, वो पाकिस्तान को जवाब देते हैं कि कश्मीर को देने में रजामंद नहीं है। आंचल है भारती का ये पैबंद नहीं है। कश्मीर को देने में रजामंद नहीं है। आंचल है भारती का ये पैबंद नहीं है। ना पाक इरादे तेरे ना काम करेंगे। ना पाक इरादे तेरे ना काम करेंगे। हम हैं सपूत देश के जय चंद सपूत देश के जय चंद। शुक्रिया। और एक गीत रखती हूँ रिश्तों पर, आजकल जो फेसबुक और इसमें हम लोग संभाले हुए हैं, लेकिन यदि हम वाकई रिश्तों पर ध्यान दें तो उस पर उसी भाव को लेकर एक गीत सुनिएगा। जी अता, जी सर। जी आस्था के शिवालय में सहेजो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। आस्था के शिवालय में सहेजो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाए। क्या बात है, क्या बात है। मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छे। मन का बना कर सजोया तुम्हें, बहुत अच्छे। प्यार की बारिशों भीगोया तुम्हें, प्यार की बारिशों से भीगोया तुम्हें। मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे, क्या बात है, मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे। हम भी बेजान पत्तों से झर जाएंगे। बहुत अच्छे। हम भी बेजान का जवाब नहीं, पत्तों से झर जाएंगे। और जिंदगी दर्द के कोहरे में छुपी, रेल उम्मीद की पटरियों, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। रेल उम्मीद की पटरियों पर रुकी, धोखनी तेरी सांसों से चलती रहे। धोखनी तेरी सांसों से चलती रहे। हम सफर हम भी रफ्तार पकड़ जाएंगे। हम सफर हम भी रफ्तार पकड़ जाएंगे।
और अंतिम वन है गहरी सागर सा दिल, गहरे सागर सर को बना लीजिए, गहरी सागर सा दिल को बना लीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें बहा दीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें बहा दीजिए, भावनाओं की लहरें मचल जाने दो, भावनाओं की लहरें मचल जाने दो, वक्त की आधी से हम उबर जाएंगे, वक्त की आधी से भी उबर जाएंगे, आस्था के शिवालय में सही जो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये शेर एक बार फिर पढ़िए, गहरे दिल से सागर को बना लीजिए। जी जी, बहुत अच्छा शेर। जी जी जी, गहरी सागर सा दिल को बना दीजिए, गहरी सागर सा दिल को बना लीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें समा दीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें समा दीजिए, भावनाओं की लहरें मचल जाने दो, भावनाओं की लहरें मचल जाने दो, वक्त की आधी से भी उबर जाएंगे, आस्था के शिवालय में सहेजो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। गहरे सागर सा दिल को बना लीजिए, am I correct? जी। गहरे सागर सा दिल को बना लीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें बहा दीजिए, बहुत खूब। इतना नाजुक अंदाज, इतना खूबसूरत लबो लहजा, ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें सुनते रहें। वाकई आपके मुख्तलिफ अंदाज ने हम सबको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि वाह जी वाह। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की महफिल में हमने जिन खूबसूरत शायरों को और खूबसूरत कविताओं के साथ कवित्रियों को आपके सामने पेश किया है, उन्होंने आपने उनकी कविताओं और गज़लों का और गीतों का भरपूर आनंद लिया होगा। वाजिया की महफिल के ज़रिए हमारी ये कोशिश है कि हम नवोदित शायर और कवियों को मौका दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखने के बाद भी उन्हें अपने फन का मुजाहरा करने के लिए मंच नहीं मिलते हैं। अगर आपकी लेखनी में भी है दम, तो हमारा आपसे वादा है कि टीवी वन इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना मोबाइल और नीचे लिखे नंबर पर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आज की महफिल में बस इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी चुनिंदा कवि और शायरों के साथ और उनकी बेहतरीन गजल गीत और कविताओं को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।